नमस्कार दोस्तों, महाटंक सुगेश चंद्रशेखर ने ऐसे आरोप लगाया है जिससे दिल्ली की सियासत में कलीबली मच गई है। 200 करोड़ रुपयों की ठगी से आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुगेश चंद्रशेखर ने खुलासा किया है कि उससे आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपयों की वसूली की, जबकि जेल में बंद मंत्री सचिंद्र जैन ने उसने 10 करोड़ रुपये वसूल है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि मोरबी हादसे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगाया जा रहे हैं। जानिए आखिर कौन है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। उसने एक्ट्रेस लीना मरिया पाल से शादी की थी, जो कि इसके टगी से खेल में साथी भी थी। सुकेश ने बिशप कॉटन बयाज स्कूल बेंगलुरु से पढ़ाई की और मदुरई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही ये बेहद जल्द रईस बनना चाहता था। सुकेश को पहली बार 17 साल की उम्र में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने एक जाने माने वरिष्ठ राजनेता के बेटे का दोस्त होने का दावा करके एक पारिवारिक मित्र को 1.5 करोड़ रुपयों को चुना लगाया था। सूत्रों के मुताबिक एक बार सुकेश ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के जाली हस्ताक्षर कर एक प्रमाण पत्र प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह कर्नाटक में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। हालांकि उस समय वो नाबालिग था। कई सालों तक सुकेश ने एक पूर्व मुख्यमंत्री के पोते के रूप में अपने आप को पेश किया और सैकड़ों लोगों को धोखा देकर कई करोड़ रुपए कमाए। बाद में उसने किंग इन्वेस्टर नाम से एक कंपनी शुरू की और निवेशक से 2000 करोड़ रुपए टांगे। साल 2017 में चंद्रशेखर को अखिल भारतीय अन्न द्राविड़ मुनेत्र कंगम के उप महासचिव टीटीवी दिनकर का बहुचालित होने का दावा कर दो पति चुनाव चिन्ह दिलवाने का जानसा देने के मामले में दक्षिण दिल्ली की 5-स्टार होटल से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर शिमविदार मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह के धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। जब वो दो पत्ती मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ रुपए चुनाव आयोग के अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए मांगे थे। सुकेश और तिहाड़ जेल अधिकारियों के बीच साठगांठ। साल 2021 में सुकेश चंद्रशेखर को 5 अन्य जेल अधिकारियों के साथ 200 करोड़ रुपये के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। ये पैसा उसने कारोबारी शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति की इस मामले में जेल से रिहाई के तौर पर मांगे थे। आरोप लगा था कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उगाही का पूरा नेक्सस तिहाड़ अधिकारियों की मदद से ही चलाया जा रहा था। पैसे के दम पर सुकेश तिहाड़ में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। जेल के अंदर से ही सुकेश अपना ठगी का पूरा धंधा चला रहा था। खुलासा होने पर सुकेश को ठगी में इस्तेमाल एक आईफोन 12 प्रो मैक्स और एक सैमसंग फोन इजराइल फोन नंबर के साथ गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ की रोहिणी जेल में वार्ड नंबर 3 और बैराक नंबर 204 में सुकेश को बंद किया गया था। वहां लगे 10 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कंगलेने के बाद सुकेश और जेल अधिकारियों के बीच नेक्सस का खुलासा हुआ था। आरोप है कि पैसे के दम पर तिहाड़ की रोहिणी जेल में सुकेश को एक पूरी बैरक अकेले रहने के लिए दे दी गई थी। कुछ महीनों पहले तिहाड़ में ऐशो आराम की जिंदगी जीने से संबंधित इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें पूरी बैरक को पर्दों से ढककर सुकेश तमाम सुविधाओं से साथ सजा काटता दिख रहा था। जेल कर्मियों को हर महीने देता था 1 से 1.5 करोड़ रुपए। तिहाड़ प्रशासन पर आरोप लगा था कि ये तमाम सुविधाएं उसे करोड़ों रुपए तिहाड़ प्रशासन को बतौर रिश्वत दिए जाने के बदले मिल रही है। सुकेश ने खुद को आरोप लगाया था कि वो करीब 9.5 करोड़ रुपए डीजी संदीप गोयल के ऑफिस तक पहुंचा चुका है। इस मामले में भी कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद तफ्तीशा में करीब 35 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप था कि जेल में खुलेआम फोन इस्तेमाल करने, बिना पहले से वक्त लिया कभी भी अपने परिचितों से मिलने, जेल मैनुअल का उल्लंघन कर इसी जेल में बंद अपनी पत्नी मरिया पाल से किसी भी वक्त मिलने, बैरक में तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने की
एवज में सुकेश इन जेल कर्मियों को हर महीना 1 से 1.5 करोड़ रुपए देता था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की आधिक अपराध शाखा ने इस मामले में पिछले साल नवंबर महीने में रोहिणी जेल के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जो सुकेश चंद्रशेखर को पैसे के बदले जेल में तमाम सुविधाएं मुहैया करवा रहे थे। इनकी पहचान रोहिणी जेल के सुपरिंटेंडेंट सुनील कुमार सुरेंद्र चंद, डिंटी सुपरिंटेंडेंट महेंद्र प्रसाद लक्ष्मी दत्त और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट प्रकाश चंद के रूप में हुई थी। आरोप था कि सुकेश के ठगी के नेक्सस में पूरी तरह से सक्रिय थे। इसके अलावा एक मामले में कुछ अन्य जेल कर्मियों की गिरफ्तारी और की गई थी, यानी करीब तक 1 दर्जन गिरफ्तारी को हो चुकी है और करीब 35 जेल कर्मियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड किया गया था। उस दौरान रोहिणी जेल के एक सहायक अध्यक्ष धर्म सिंह मीना के मोबाइल से पता चला था कि कुल जेल अधिकारी और कर्म है जिन्हें सुकेश हर महीने तमाम सुविधाओं के बदले करोड़ों रुपए दे रहा था। जिन्हें जेल कर्मियों पर आरोप लगा था उनके नाम थे। असले में सुकेश के मामले में जैकलिन नौरा का नाम क्यों आया? 16 जून को इनको खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम आपराधिक साजिश रचने वे मौकों समेत 18 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन तमाम आरोपों के बाद सुकेश को कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ की रोहिणी जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट कर गया था। तिहाड़ जेल में स्पूफिंग के जरिए न केवल सुकेश ने 200 करोड़ रुपए की ठगी अपनी आवाज बदल कर की, बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन और नोरा से नजदीकियां भी बढ़ाई। जैकलिन फर्नांडेज को सुकेश ने करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। इनमें 1 अरबी घोड़ा, 9 से लेकर 9 लाख रुपयों की 3 पर्शियन बिल्लियां, डायमंड सेट्स जैसे महंगे गिफ्ट्स है। तिहाड़ जेल में बंद रहे हुए भी सुकेश फोन पर जैकलिन से बात किया करता था। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू सभी अलग अलग केस में सुकेश पर दर्ज मामलों की जांच कर रही है। सुकेश ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सचेंद्र जैन और तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल और आम आदमी पार्टी पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाकर एलजी से जांच की मांग की है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडेज को लिखित पत्र में कहा कि सबसे शानदार इंसान द अमेजिंग और मेरी सदाबहार जैकलिन को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रंगों के इस त्योहार में है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी से जो रंग गायब है, फीके हैं, गए हैं, उन्हें 100 गुना करके वापस लाया जाऊंगा। यह मैं तय करूंगा और यह मेरी जिम्मेदारी है। सुकेश ने आगे लिखा कि तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मेरी बेबी गर्ल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुस्कुराते रहो। लेटर में सुकेश ने आगे लिखा कि आप अच्छी तरह जानते हो कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हो। लव यू माई प्रिंसेस, मिस यू लॉर्ड, माई बेबी, मेरी बोमा, मेरे प्यार और मेरी जैकलिन। जैकलिन फर्नांडेज पिछले काफी समय से उन्हें लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी अभिनेत्री अंतरिम जमानत पर रिहा है, लेकिन उनके लिए आज यानी 11 नवंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। जहां पहले उनके बेल पर फैसला आज आने वाला था, वही अब सामने आया है कि यह 15 तारीख को आएगा। अब 15 नवंबर को महाठग और जैकलिन की कथित बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट अभिनेत्री को जेल या जमानत देने को लेकर फैसला सुनाएगी।